सभी को नमस्कार। जय रोहिल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2019 DSSSB ने अभी एक नोटिस अपलोड किया है, जिसमें वैकेंसीज जो हैं उनके बारे में अपडेट किया है। इसकी जो है ओपनिंग डेट है वो 31 जनवरी 2019 एंड क्लोजिंग डेट है 5 मार्च 2019। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसीज है और उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्राइटेरिया क्या क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्ट कोड 8/19 LDC, ठीक है, ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। टोटल वैकेंसीज में 27 है। देन 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19 एंड 14/19 रिस्पेक्टिवली। इसमें जो है लास्ट की जो चार जॉब हैं ये 4200 ग्रेड पे की हैं, ठीक है, और इसमें वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं, 110, 48, ओके। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी वो ओनली 1 एंड अदर लीगल असिस्टेंट 5 एंड जूनियर लैब असिस्टेंट 7। वैकेंसीज काफ़ी सही हैं और DSSSB आजकल काफ़ी फास्ट प्रोसेस में है, जैसा कि हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आइए इनको और एक्सप्लेन में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इनकी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। ठीक है, पोस्ट कोड 8/19, इसमें क्या है, आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, और जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। मेन इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है। एज जो है 18 से 27 ईयर्स। रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है वो सब आपको मिलेगा इसमें। नेक्स्ट जो है पोस्ट कोड 9/19, अगेन 12th पास एंड स्पीड है इसमें 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपराइटिंग इन इंग्लिश। इसमें थोड़ा टफ है लेकिन स्टेनो में यही स्पीड रहती है हमेशा। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है 10/19 वो है जूनियर लैब असिस्टेंट। इसमें भी आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और देख लेते हैं और क्या है इसमें। ठीक है, इसमें जो है मेन साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और 3 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस भी लेबोरेटरी वर्क्स में मांगा है, ठीक है। ग्रेड पे इसकी है 1900 है, बेसिक जो ग्रेड पे स्टार्ट होती है। देन पोस्ट कोड 11/19, 11/19 में लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो इसमें सिर्फ वही फिल कर सकते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री है। देन 12/19, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री चाहिए साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। इसका जो ग्रेड पे है 4200 है, एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी 13/19, ठीक है, टोटल वैकेंसीज में 48 हैं। डिग्री चाहिए इसमें इंजीनियरिंग इन एनवायरनमेंट सिविल, इन दोनों में से किसी में भी कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनवायरनमेंट सिविल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी। 3 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, ये असेंशियल है। ओके, डिजायरेबल जो होता है, अगर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर वेदर यू हैव और नॉट, बट असेंशियल यू मस्ट हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट 14/19, ये जो है टोटल 110 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें भी जो डिज़ायरेबल है, हिंदी होनी चाहिए आपके 10th लेवल तक और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। ये जो सारी वैकेंसीज निकाली हैं और इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं वो भी एक बार देख लेते हैं जो थोड़ी ज़रूरी हैं। जो बेनिफिट है जो रिजर्वेशन का SC ST OBC, वो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जो सेंटर में पॉलिसी है वो इसमें नहीं चलती। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ है, ओके। देन मोड ऑफ सिलेक्शन 1 tier एंड 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम, ओके। नाउ
ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है सभी एग्ज़ाम्स में दी जाती है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बिलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल विदड्रॉ एनी क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये सभी जो है, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो आप ये गो थ्रू हो जाना, हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, वरना इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन सिलेबस दे रखा है इसमें, जनरल अवेयरनेस, ओके, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो कॉमन जो होता है सभी का, ये वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेम टू टीयर में, जो टू टीयर एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है कि टीयर वन तो सेम रहता है आपका, एंड टीयर टू में फिर एम सी क्यू क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको जनरल इंटेलिजेंस सेम एज वन टीयर, देन क्वान्टिटेटिव जनरल अवेयरनेस, और इसमें जो है एन सी टी ऑफ डेली इसके बारे में पूछा जाता है, देन इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स सिलेबस कोई नया नहीं है, आप सभी इन चीज़ों से ऑलरेडी नॉन हो, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट अपने इन्होंने बताया था, जो भी डेली एन सी टी का अकॉर्डिंग है, आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाना एक बार, जिसको अपने रिजर्वेशन में देखना हो। बाकी कोई इसमें हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है जो आपको बताई जा सके, ठीक है। ये मार्क्स जो है पर्टिकुलर बता रखा है कि कितने कितने मार्क्स की क्या क्वेश्चन आने हैं, हम पर्टिकुलर पोस्ट पे हम वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्रीफ में हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें, ये जस्ट आपको अवेयर करने के लिए कि आज ये वैकेंसी आई है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए वैकेंसीज़ के बारे में, और तैयारियों में लगे रहिए, हम भी वीडियोस पर वर्क कर रहे हैं, मे बी 15 डेज़ के अंदर हम सारे प्रोवाइड करने लग जाएं आपको। डी ट्रिपल एस बी की अगर तैयारी आपको करनी है, पहले अटैम्प्ट में क्लियर करना है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपकी सफलता, हम थोड़ी सी मेहनत हमारी, बाकी सब आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।